हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ काइन मास्टर के एक और एडिटिंग ट्यूटोरियल के साथ। एंड देखो, नॉर्मली जब अपने वीडियो को जब आप एडिट करते हो तो आपका जो वीडियो का जो बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी सिंपल सा होता है। मान लो आप कोई एडिटिंग ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियो बनाते हो, या फिर आप फैक्ट वीडियो बनाते हो, या फिर आप टैग वीडियो बनाते हो, तो आपका जो वीडियो का जो बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। लेकिन जब अपने वीडियो का बैकग्राउंड को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे तो आपका वीडियो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल हो जाएगा। वैसे तो हमारा वीडियो जब हम मतलब उसका जो बैकग्राउंड लगाते हैं तो काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन जब उसको इस प्रकार से मतलब जब इसके अंदर जो बॉर्डर दे देते हैं एंड पीछे का जो कलर चेंजिंग बैकग्राउंड बनाते हैं तो और भी अट्रैक्टिव लगने लग जाते हैं। एंड इसके ऊपर मेरे को एक भाई ने कमेंट भी किया था, तो मैं सोचा यार इसी बैकग्राउंड रिलेटेड जो वीडियो बना देता हूँ कि आपको कैसे बनाना है। एंड यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो काइन वास्टर में ना 16:9 रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, 16:9 ही करिएगा। एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पर से नीचे स्लाइड करोगे तो आपको ये टाइमर दिख जाएगा, आपको सिंपली जो इसको है 1 सेकंड पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट कर देना है। एंड यहाँ पर नीचे से कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर जो कलर अलग अलग टाइप की इमेजेस सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे आप अलग अलग टाइप की कलर का जो इमेजेस आपको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करते रहना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे कर देना है। लाइक मैं यहाँ पर देखो कभी ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कभी ये कलर एंड कभी ये। आप जो है कलर जो इमेजेस डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पर, काइन मास्टर के जो उसमें स्टोर होता है उसमें सब डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पर जब एक कलर को सिलेक्ट करोगे तो आप दूसरा कलर उसके अंदर जाकर भी दे सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे कलर सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद आपको जो सिंपली जो है इस जैसे आपको जो सिलेक्ट हो जाए कलर तो आपको सिंपली जो इसको जो एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं बहुत सारे कलर सेलेक्ट कर लिया हूँ एंड सिंपली जब मैं इसको जो है एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एंड हाँ, एक्सपोर्ट करते टाइम भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो अपने वीडियो को जो है 180p पे एक्सपोर्ट नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो वीडियो का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। यार ऑलरेडी आप उस वीडियो में एडिट किए हो, तो आप अगर जो इसमें बैकग्राउंड एक और लगा दोगे बिग साइज़ का तो आपका वीडियो यार काफ़ी मतलब जो साइज बढ़ जाएगा। तो सिंपली आपको 720p व्यू करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स मिल जाएंगे। एंड ध्यान रहे आपको 60fps पे जरूर करना है। यहाँ से आप उसका बिटरेट जो है कम कर सकते हो, लेकिन आपको 60fps पे जरूर करना है। अगर जो आपको पता नहीं 60fps पे कैसे करना है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, पर आई बटन पे लिख जाएगा कि आपको 60fps पे कैसे करना है। 60fps यार जरूरी होता है, आपको जो भी वीडियो आप सेव करते हो ना वो हर वीडियो यार 60fps पे जरूर सेव करना चाहिए यार, क्योंकि 60fps सबसे बेस्ट होता है। इससे आपका वीडियो काफ़ी स्मूथ होता है। एंड बिटरेट स्लो करके यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, आपको बिटरेट यार इसमें भी थोड़ा कम कर देना ताकि जो साइज़ है वो घट जाएगा। एंड जैसे आपको जो एक्सपोर्ट होगा सिंपली आपको जो मतलब वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। एंड वीडियो सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपना जो है मतलब जिसको वीडियो को आपने एडिट किया है वो वाला वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो आप अपने कोई इफेक्ट बना अपने जो कोई इफेक्ट वीडियो एडिट किया है 2-3 मिनट का, तो आप सिंपली इसको यहाँ पर मतलब इंपोर्ट कर दो सबसे पहले। या फिर आप कोई वीडियो बनाया सिंपली आप उसको सबसे पहले इंपोर्ट कर दो। जैसे मैंने आप ये वाला मेरा पिछला वीडियो था तो मैंने सिंपली इसको इंपोर्ट कर लिया है। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जो है बॉर्डर PNG मतलब लेना है। एंड अगर आपके पास ये वाला बॉर्डर PNG नहीं है तो मैं इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे पास वैसे काफ़ी बॉर्डर PNG है, अगर आप कहो तो उनका भी लिंक मैं आपको दे दूँ। अगर आपने कमेंट किया तो मैं आपको उनका लिंक भी आपको दे दूँगा उन PNGs का। तो सिंपली आपको सिंपली जो अपना बॉर्डर PNG ऐड करना है, जैसे यहाँ पर मैं ऐड कर लिया हूँ। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जो जितना आपका वीडियो का लेंथ है उसको आपको उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको जो सिंपली इसको जो है बड़ा कर देना है। एंड यहाँ पर देखो यार अभी ये फिट नहीं होगा, आपको ध्यान से इसको फिट करना है। जैसे यहाँ पर देखो जैसे मैंने इसको बड़ा कर रहा था ये फिट नहीं हो रहा है, आपको जो वीडियो को साइज ऐसे बड़ा करना है। एंड उसके बाद आपको सेंड टू बैक कर देना है। जैसे आप सेंड टू बैक करोगे तो देखो आपको जो वीडियो फिट हो जाएगा। एंड अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखो अब जो वीडियो का निकल कर। एंड यहाँ से मैं इसका पहले वॉइस कम कर देता हूँ एंड आपको प्ले करके दिखाऊंगा। अब यार देखो ये वीडियो काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा एंड उसका जो लुक निकल के काफ़ी अच्छा आएगा। एंड अभी आपको फुल स्क्रीन पर भी करके दिखाता हूँ। एंड अभी आप ये देखो यार ये जो वीडियो अभी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो फुल स्क्रीन पे भी वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अभी मैंने अपने वीडियो में से ये जो है बॉर्डर हटा दिया है ताकि आपको एकदम क्लियरली दिखे कैसा दिखता है। एंड ऐसे यार आप भी ऐसे बैकग्राउंड बना सकते हो यार, ऐसे आपकी जो ऑडियंस है वो भी कहेगी जो आपका जो वीडियो काफ़ी मतलब प्रोफेशनल तरीके से आपने जो एडिट किया है, तो आप भी ऐसे इस प्रकार से बैकग्राउंड बना सकते हो। एंड यार आप इसमें जो बैकग्राउंड में जो वाइप एनिमेशन दे दोगे यार, तो आपका जो मतलब बॉर्डर रहेगा वो वाइप एनिमेशन के साथ जब निकल के आएगा तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो इसका जो आपको सेकंड जो है बढ़ा देना है सिंपली, तब आपका जो वाइप एनिमेशन निकल के आएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो मैं यहाँ पर वाइप एनिमेशन यहाँ पर 3 सेकंड तक दे दिया हूँ, तो ये काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से ये जो है वाइप करते हुए आएगा तो आपका ये जो है यहाँ पर वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ऐसे आप भी ऐसे दे सकते हो यार। एंड बस यार आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक लिए आप जहाँ पर भी हो कीप वॉचिंग, कीप वर्किंग एंड कीप ग्रोइंग।